أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حتى تسكنه فيها اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. आज हमारा लास्ट सेशन है आ, इस टॉपिक के हवाले से जो हमने शुरू किया था अगरचे हम टॉपिक किया था टू फिफ्टी पंजा साल है या द रोल ऑफ इमाम हुसैन इन टू फिफ्टी इयर ओल्ड मैन अगरचे हमने ये टॉपिक सिर्फ शुरू किया इसको लाइक आप समझे हम चैप्टर नंबर टू पे भी सही से हम नहीं पहुँचे वी आर स्टिल इन चैप्टर नंबर वन एंड फाइव डेज में हम ऑबियसली uh, एक टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते अब uh, अगर दोस्तों का तक होगा तो हम इस सेशन के बाद वीकली हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मसलन इमाम सज्जाद की लाइफ में क्या हुआ इमाम बाकेर और करते करते लाइक इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत तक इस ढाई सौ साल इंसान ने ये सफ़र कैसे तय किया और लोगों को किस तरह आमादा किया जमान और शबत कुबरा के लिए आ, लेकिन आज का जो सेशन होगा ये कि हम कोशिश करेंगे कि आशूरा को अहादीस मासूमिन की निगाह से इस एंगल से देखें कि आशूरा किस तरह मुरतबित एंड कनेक्ट होता है ूर से हूर इमाम ज़माना आलाम से लेकिन उससे पहले कि मैं वो आपके सामने वो अदीस बयान करना शुरू करूँ एक नुकता जो हमने लास्ट सेशन में उसको रेज़ किया था वो ये था कि आशूरा दर हकीकत तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ओके okay? यानी इमाम हुसैन सलाम और उनके बा वफा ने यह माजरा और यह हादसा आप यूं समझें कि एक प्री प्लैंड किस्सा है ठीक है अगर आपने थर्ड सेशन को या सेकंड सेशन को भी आपने गौर से सुना हो तो उसमें यह झलक हमने दिखाने की कोशिश की थी कि दर हकीकत ये इमाम अली अलैहिस्सलाम थे कि जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यह कहा था फरमाया था कि हसन अगर मेरे बाद दुश्मन मुसलत हो जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम जंग स्टॉप कर दो यानी जंग स्टॉप मत करो बल्कि जंग को जारी रखो एक और तरीके से यानी जंग को जमीन से जेर जमीन में बदल दो ग्राउंड से अंडरग्राउंड में मुंतकिल कर दो और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो नौ साल का एक अरसा मिला आफ्टर दैट पीस ट्रीटी विद मुआविया तो उस नौ साल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे शागिरदों की तरबियत की फील्ड्स के अंदर और वो आखिरी जो शागिद था इमाम हसन का वो कौन थे वो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे यानी इमाम हुसैन वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ इमाम हसन यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को करबला के लिए तैयार किया था कि इमाम हुसैन जब करबला को बर्पा करेंगे अप्लाई करेंगे ग्राउंड के ऊपर यानी अंडरग्राउंड से दोबारा ग्राउंड के ऊपर इस जंग को लेकर आएंगे तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जंग के जरिए एक तारीख को बना रहे हैं एक तारीख को शेप दे रहे हैं इस एंगल से कि आशूरा से पहले यानी अब किसी को इस्लाम पढ़ना हो या किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें लोगों को ये नहीं बताना है कि वर्ल्ड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड वर्ल्ड बिफोर द आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हम ये बताएंगे कि वर्ल्ड दुनिया आशूरा से पहले कैसी थी और दुनिया आशूरा के बाद कैसे थी ओके ये तकसीम करना बिफोर एंड आफ्टर यह हर एक इंसान का काम नहीं होता ये बड़े लोग यह काम कर सकते हैं कि हिस्ट्री को एक नए फेज में मुंतकिल करें हिस्ट्री का एक नया चैप्टर फ्लिप करें ओके मसलन हर किताब में किसी रोमान किसी नावल में चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ये राइटर के लिए कोई आसान काम नहीं होता कि एक स्टोरी को मसलन फाइव हंड्रेड पेज की स्टोरी लिखें ठीक है इसी तरह जो बड़ी शख्सियात एंड बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये वो होती हैं। अगर आपको ये जानना हो ना कि मसलन तारीख की बड़ी पर्सनालिटीज़ कौन है ओके okay? मसलन मुमकिन है ये कोई बोले कि बड़ी पर्सनालिटी वो है जिसने आ, जिसने कार ईजाद की जिसने गाड़ी को इन्वेंट किया बिलाकर गाड़ी इन्वेंट करने से एक चेंज आया है मसला बड़ी पर्सनैलिटी वो है जिसने मोबाइल फोन बनाया है ठीक है एंड uh, अच्छा काम किया मोबाइल फ़ोन बनाकर जिंदगी आसान हो गई है लेकिन प्रॉब्लम uh, ये हुई कि मोबाइल फ़ोन तो आ गया हमारी लाइफ में लेकिन विदाउट द गाइड कैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है ठीक है यानी दी रिलीजन uh, के पास तो सोल्यूशन था डायरेक्शन देने के लिए कि भाई इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन ये डायरेक्शन है ये गाइडलाइंस है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोगों ने मेंबर पे आकर लोगों को गाइड नहीं किया कि भाई दिस इज़ द वे दिस इज़ द वे इंटरनेट ऐसे इस्तेमाल करना है ऐसे इसके पॉजिटिव्स ये हैं इसके नेगेटिव्स ये हैं हमने ये काम नहीं किया दुश्मन ने ये काम किए और आज मिलाकर माँ बाप परेशान है कि हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे मोबाइल फ़ोन की वजह से नेटफ्लिक्स ने बर्बाद कर दिया है इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया ये माँ बाप की कंप्लेंट्स है खूब फिर जब कोविड नाइन्टीन आया माशाला से ठीक है आ, तो दो ये दो ढाई साल जब कोविड नाइन्टीन आया तो स्कूल बंद हो गए यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट पैकेजेस सस्ते हो गए मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं ओके और माँ बाप ने भी अपने बच्चों को सात साल के बच्चों को आठ साल के बच्चों को बेहतरीन स्मार्टफोन ओके पीछे तीन चार कैमरा के होल्स बने हुए बेहतरीन के कैमरा जो है वो फ़ोन दिला के खुश हो गए कि यस वी आर अपडेटेड पेरेंट्स ठीक है हम जमाने के साथ साथ चल रहे हैं ठीक है अब दो साल बाद हरम बंद है मसाजिद बंद है आज़ादारी पर पाबंदी है लेकिन इंस्टाग्राम फसाद और फाशा पर कोई पाबंदी नहीं है खुल ओके तो फिर जो बर्बादी हुई ये माँ बाप परेशान है कि अब हम क्या करें सही है चूँकि माँ बाप लोग और हम सब हर चीज के लिए दीन के पास नहीं जाते जब कोई हाजत होती है ना तो दीन के पास जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई बिजनेस करना है कोई करियर गाइडेंस चाहिए कोई मिसाल के तौर तो पर कोई वसीला खरीदना है कोई टूल खरीदना है उससे पहले हम नहीं जाते कि हम पहले दीन से भी तो मशवरा लें दीन से भी कोई ओपिनियन तो लें कि व्हाट डस विलिजन से अबाउट दिस ठीक है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जो तारीख़ के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक फाउंडेशनल बेस यानी बुनियादी चेंज लेकर आती हैं ओके उन बड़ी पर्सनालिटीज़ में से अम्बियाल है और हमारे इमामान मासूम अलिम खुशूसा इमाम हुसैन आसलम के अब इमाम हुसैन आसमाम और उनके अहहाब देख रहे हैं कि अब यजीद बरसा इकतदार आ चुका है ओके okay. उससे पहले मुआविया था लाना तो मुआविया उसने बिल आखिर बिल आखिर इस्लाम का जाहरी शेप कुछ हद तक टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट उसने बचा के रखा हुआ था ओके okay. लेकिन यजीद जब आया उसने सगबाजी करना शुरू कर दी शराब और खुल्लम खुल्ला दीन के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करना शुरू की दीन का मज़ाक उड़ाने उसना, उसने शुरू कर दिया तो यहाँ पर कोई आ, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है अब यहाँ पर इसका मतलब इमाम हुसैन ये देख रहे हैं कि अब इस्लाम की मौत वाकई हो सकती है यानी इस्लाम अब दो राहे पर है कि अगर मैंने और मेरे अहाब ने इकदाम नहीं किया तो मैं अगर एकदम नहीं करूंगा तो इस्लाम की मौत वाकई हो सकती है अगर मैं और मेरे आशूरा को बर्बाद करने में कामयाब हो गए तो इस्लाम दोबारा जिंदा हो सकता है ओके? इस्लाम इस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिहाजा एक जो हमें निशानी मिलती है कि सैद शहदा की मूवमेंट कामयाब हुई वो निशानी क्या है वो निशानी है इस अजीम शहादत के बाद आफ्टर टेंशुरा आफ इकसठ हिजरी के बाद आप देखें मुख्तलिफ लोगों ने आकर बनी उमैया के खिलाफ क्याम करना शुरू किया मुख्तलिफ लोगों को ये जुरात पैदा हो गई ये शुजात पैदा हो गई यस वी कैन ऑल्सो राइज बनी उमैया अलबत यहाँ पर एक पूरा टॉपिक है कि मुख्तलिफ लोगों ने क्याम किया जैसे तवाबीन ने क्याम किया मैंने कल मिसाल दी थी सुलेमान इब्ने इब खुजाई की ठीक है अब बिला आखिर वो उसने क्यों क्याम किया तैयार उनवान से क्योंकि बिलाखिर उसको अपना गुस्सा निकालना था क्योंकि वो टाइम पर नहीं गया इमाम हुसैन की मदद के लिए अब वो पशेमान है अब उनका ये कहना है कि अब मैं एक ही सूरत में तलाफी कर सकता हूँ जुबरा कर सकता हूँ वो क्या है कि मैं शहीद हो जाऊँ अगर मैं शहीद होने में कामयाब हो गया तो शायद मेरी दुनिया सॉरी शायद मेरी तोबा कबूल हो जाए खुदा क्या खूब लिहाजा आप देखें तवाबीन ने जब चार हजार का लश्कर बनाया और सब के सब चार हजार के चार हजार शहीद हो गए ठीक है लेकिन इस शहादत का कोई असर क्यों नहीं हुआ क्योंकि जिस टाइम पर उन्हें फैसला करना चाहिए था और इमाम का साथ देना चाहिए था उस टाइम का उस लमहे का उन्होंने एहसास नहीं किया यानी कुछ फैसले एंड डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में टाइम पर करने होते हैं अगर ये सेकेंड हाथ से चला गया सो क्या होगा फिर मैं मुमकिन है बीस साल पहले चले जाऊं मेरी लाइफ दोबारा पचास यानी ट्वेंटी इयर्स वेस्ट हो जाए मेरी लाइफ अगर मैंने एक डिसीजन टाइमली नहीं लिया यही काम यही गलती सुलेमान सूरत फजाई से हुई लिहाजा इनके क्याम का कोई असर नहीं हुआ बाद में फिर मुख्तार सकफ़ी ने क़याम किया अब यहाँ पर भी बहुत सारे इख्तलाफा हैं खूब के मुख्तार का क़याम सही था इमाम सज्जाद सज्जाद्लम की अग्रीमेंट के साथ हुआ नहीं हुआ ठीक है अब ये एक अलग टॉपिक है उसके बाद जैद इब्न अली और बहुत सारे अफराद ने क़याम किया और बहुत सारे ऐसे क़याम थे जिसमें इमाम सादकाम कि रिजायत मंदी नहीं थी ही वॉज नॉट यू नो अग्रीड विद दिस ऑल दिस लेकिन बिल आखिर एक चीज़ हमें नजर आती है कि जुल्म के खिलाफ कयाम होना शुरू हो गया ओके ये एक चीज़ हमें नजर आती है ये आशुरों का हमें पहला असर नज़र आता है मैं जो आपसे ये बात यहां ये करना चाह रहा हूँ कि आप देखें हम हमारे जहनों में एक चीज मौजूद है वो क्या है वो ये है कि इख्तिला गलत बात है इख्तलाफ गलत बात है या नहीं है इख्तिला गलत बात हमेशा नहीं है क्यों क्योंकि जब अम्बिया फर्ज करें हजरत नूसम आते हैं हजरत नू के आने से पहले कौम द नेशन ऑफ नू कुछ एक्टिविटीज में मशगूल हैं, यूनिटी के साथ सब के साथ मिसाल के तौर पर यूनिटी के साथ वहदत के साथ गलत कामों में मशगूल हैं बुध पलस्ती में मशगूल हैं हजरत नू असलम आते हैं और इख्तलाफी ईजाद करते हैं ये इख्तलाफ है अब कुछ लोग खुदा परस बन जाएंगे कुछ लोग बुध परस रह जाएंगे तो ये इख्तिलाफ गलत है या सही है ये इख्तलाफ सही है आशूरा ने क्या काम किया आशूरा इस शहादत के बाद एक अहम असर ये हुआ कि हक और बातिल जो आपस में मिले हुए थे मिक्सचर हो चुका था थैंक्स टू मुआविया ऑफ ऑफ मुआविया ये मिक्सचर और मखलूत होना हक और बातिल का इमाम हुसैन आए और दोबारा हक और बातिल के न करना हक और बातिल के दरमियान वो इख्तलाफ को दोबारा हाईलाइट कर दिया इमाम ने ओके पहले लोग ये समझ रहे थे बनी उमैया भी हक पर है आ मुआविया तो खालुल मिन है और मिसाल के तौर पर खलीफा इबाद हक है लेकिन इमाम हुसैन आए नो भाई तुम भूल गए गदीर को ओके यानी इमाम हुसैन आए उनके असहाब आए और हक और बातिल के दरमियान इस डिवीज़न को दोबारा रंग कर दिया हाईलाइट कर दिया बस हमेशा ये इख्तलाफ बुरी बात नहीं होती है सही है ये एक बात अब ये जो आपके सामने जो मैंने मौजू आज बयान किया कि हादसा आशूरा का ताल्लुक जहूर से कैसे होता है बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं मैं आपके सामने आज सिर्फ दो रिवायतें पढ़ूंगा ये देखें इमाम सादिकल्मा इस रिवायत में ये फरमाते जब आशूरा का वाक़ पेश आया तो सारे मलाइका और फरिश्तों ने गिरिया किया सारे मलाइका ने और ये मलाइका गिरिया करते हुए खुदावंद सुबहान के महजर में आए और खुदा से कहा कि खुदाया

आरे मोहम्मद वाह खुदांद सुबह ने मलाइका को हजरत हजत का सा दिखाया और फिर ये कहा खुदा ने बेहाजा इस काइम के जरिए मु लिहाजा इस काइम के जरिए मैं इस हुसैन का बदला और इंतकाम लूंगा हो यानी खुदा वंद सुबहान यहाँ पर बिशारत दे रहे हैं ये इंतकाम क्या है ये इंतकाम क्या है एनी वन रिवेंज फॉर वॉट रिवेंज किस चीज यानी इमाम जमान आएंगे किस चीज का इंतकाम लेंगे कि चौदह सौ साल पहले मेरे जद इमाम हुसैन का खून बहाया गया था करबला के मैदान में और अब मैं आया हूं और ट्रंप से इंतकाम लूंगा मैं जो बाइडन से इंतकाम लूंगा मैं ये क्या चक्कर है जी हो खूब यजीद जमान खूब यहां पर रजअत की भी बहस है यहां पर रजअत की भी बहस है रजअत की भी बहस है ना वर्ट रज अत उर्दू में बोलो हाँ यानी दो किस्म के लोग इस दुनिया में वापस आएंगे ज़ुहूर के बाद जब ज़ुहूर इमाम होगा मोमिन आएंगे वापस मिनीन की रजत होगी कौन से मोमिन आया फकत म्मत इस्लामिया के मोमिन वापस आएंगे नहीं वो मोमिन जो हजरत मूसा की कौम में सरत हजरत नू की कौम ये सब भी वापस आएंगे ना सिर्फ मोमिन अम्बिया भी वापस आएंगे सबके साथ अयम्मा भी वापस आएंगे सबसे पहली शख्सियत जो इमाम जमाना सलाम के पास यानी अयम्मा में से हाँ फ्राम द इमाम जो इमाम जमान के जहूर के बाद वापस लौटेंगी वह है इमाम हुसैन आसम और इमाम हुसैन आसमाम वो शख्सियत हैं जो जब इमाम हुसैन आल इस सॉरी इमाम जमाना इस दुनिया से रखसत करेंगे वेन ही डाइज ओके अब या वो शहीद होंगे इमाम जमान या शहीद नहीं होंगे बिलाखिर दुनिया से तो वो भी जाएंगे जब इमाम ज़माना दुनिया से जाएंगे तो इमाम हुसैन आसम इमाम का कफन दफन तशीर जनाजा सब कुछ खुद वो अनजाम देंगे

इमाम ये तरतीब नहीं मालूम है हमें रिवायात में ये तरतीब कौन पहले आएगा लेकिन इतना मालूम है कि इमाम हुसैन पहले आएंगे और इतना मालूम है कि सबसे आखिरी शख्सियत कयामत से पहले जो इस दुनिया से उठेगी जहां तक मेरे जहन में है वो इमाम अलीलाम इमाम अली है। ओके? और इमाम अलीलाम के बारे में हत्ता ये भी कि इमाम अली मरतबा नहीं होगी मुकर वापस आएंगे दुनिया में मुकर्र वापस आएंगे दुनिया में और इनकी हुकूमत भी बहुत तूलानी होगी न फिर अम्बिया और भी आएंगे। जमाने माजी के तवादीद भी आएंगे वापस क्यों आएंगे आओ तुम लोग आओ ताकि मैं तुम तो लोग की गर्दन उड़ाऊ इसलिए आएंगे अगर गर्दन ही उड़ानी थी इन लोगों की तो आखिरत का तो अजाब ज्यादा है ना तो दुनिया में लाने का क्या मकसद है दुनिया में लाने का मकसद ये ताकि इनको पता चले इनके आंखों के सामने हुकूमत इलाही बर्फा हो और ये जब अपनी आंखों से देखेंगे कि, कि हुकूमत हुही क्या इसके असरात एंड नतज हैं एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं तो इनको एक अजीब किस्म की जिल्लत एंड यूमिलियन का सामना होगा ये एक बात एक तो इनको वो जिल्लत चखानी है जो उन्होंने उस जमाने में मसल आप मुआविया के बारे में देखें यजीर ये लोग तबीयत मौत से दुनिया से चले गए राइट इन्होंने कोई जिल्लत नहीं देखी कोई ह्यूमिलेशन का सामना नहीं करना पड़ा इनको और दुनिया से चलेगा एक इनको ये जिल्लत चखानी है और दो इनसे ये इंतकाम भी लेना है जी पहले उन्होंने हाल था यस so शेम या यजीद मुआविया ये, ये लोग वापस आएंगे बहाल है तो फिर अभी वापस आए तो वो कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तौबा नहीं नहीं कर सकते तौबा नहीं कर सकते <laughs> <laughs> तो रजअत में कौन आएगा वापस इसको सुने गौर से रजअत में वापस कौन आएगा रजअत में वो मोमिनीन आएंगे जो प्योर मोमिन हो चुके हैं इस दुनिया में मसलन बिफोर डेथ बिफोर देथ हंड्रेड परसेंट मोमिन है खालिश मोमिन है महज मोमिन है मसल महज मोमिन की मैं मिसाल देता हूँ मसला हमारे ये होस्ट भाई हैं ठीक है मिसाल के तौर तो पर अभी इनकी उम्र फोर्टीन है थर्टीन है वॉट एवर लेकिन अब इनका एक ईमान का लेवल है ट्वेंटी परसेंट है थर्टी परसेंट है फिफ्टी है लेकिन जब आहिस्ा ऐसा जब इनकी शादी होगी इनके बच्चे होंगे इनके पोते होंगे सब कुछ होगा ठीक है और बिलाखिर दुनिया के मुख्तलिफ़ इम्तहान से गुज़र कर ये पास होंगे तो इनके ईमान का लेवल बढ़ जाएगा मसलन ये अब हंड्रेड परसेंट ईमान पर फायज है क्या मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप अगर कोई उस ज़माने में अलैहिस्सलाम को देखता तो क्या कहता वो हमें वो ये कहता कि एक शुजा इंसान आ रहा है एक मर्तबा ये होता है कि आप कहते हैं एक शुजा इंसान आ रहा है लेकिन एक दफा आप कहते हैं नहीं खुद शुजात आ रही है राइट खुद शुजात को मैं देख रहा हूं तो आप इस भाई को देखेंगे खुद ईमान को मैं देख रहा हूं इनका ईमान का लेवल इस कदर ऊपर चले जाएगा कि खुद मजहर ईमान बन जाएगा इसको क्या कहते हैं दीन के अला में दीन की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं ममिन खालिस, ममिन महज ओके ये वो ममिन जो वापस आएंगे रजअ में लेकिन जो फिफ्टी परसेंट ईमान पर फायज होकर दुनिया से चले गए अब उनको बरजख में अपना ईमान ऊपर ले जाना है मजीद अब बरजख में भी इम्तिहानात होंगे मुश्किल होंगी ओके एग्जाम्स होंगे वहां पर भी ताकि उन एग्जाम्स के पास उसका लेवल ऑफ ईमान बढ़ जाए इसी तरह कौन काफरीन और तवाही और दुश्मनान वापस आएंगे जो प्योर काफिर हो चुके हैं प्योर शकावत के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं हंड्रेड परसेंट शकी बन चुके हैं ये वापस आएंगे लिहाजा जो प्योर बन जाता है ना इनके लिए तोबा नहीं है ओके इनके लिए तो दूसरी बात तोबा कैसे होगी जब आप दुनिया से चले जाते ना तोबा खत्म जैसे आंख बंद हुई तोबा का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है डिसेबल अब जो रजात से वापस आएगा दुनिया में उसके लिए कोई तोबा नहीं है उसके लिए सिर्फ वो जिल्लत चखाने के लिए उसको वापस यहां पर बुलाया जा रहा है उसको इजाजत दी जा रही है ओके ठीक है ये क्लियर है फिलहाल अभी मुमकिन है बहुत सारे क्वेश्चंस हो लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं ठीक है ये एक रिवायत मैंने आपकी खिदमत में पेश की तो हमें यहाँ पर उलमा ये फरमाते हैं कि हम कोशिश करें कि हम ऐसे आमाल अंजाम दें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि अगर हमारे ज़माने में ूर इमाम बरपा नहीं होता मुहक्क़ नहीं होता तो एटलीस्ट हम रजअियो की लिस्ट में तो करार पा जाए क्योंकि जब इंसान रजअियो की लिस्ट में आ जाता है तो यहाँ पर जब ूर इमाम होगा और आप फ़र्ज़ कर आप दुनिया में नहीं है और ूर इमाम हो जाता है तो यहां पर अदीस में है हदीस के अंदर है कि इस शख्स की कबर पर मलाइक आएंगे और कहेंगे कि ऐ शख्स उठ जा तेरा साहिब जहूर कर चुका है अगर तू उसको ऑप्शन दिया जाएगा यानी ऐसा नहीं कि इजबादी तौर तो पर जबरदस्ती उसको कमान जोर हो चुका है नो ऐसा नहीं है उसको ऑप्शन दिया जाएगा इख्तियार कि अगर तुम आना चाहते हो अपने इमाम के रिकाब में जंग लड़ना चाहते हो इंतकाम तो आ जाओ और अगर तुम अपने रब के महजर में रहना चाहते हो तो बसमल्ला कोई यानी टू ऑप्शंस ठीक है बिला बाल है सही है इंशाल्लाह एक दिन से दो शिकार ठीक है खूब ये एक बिलाखिर खुदा वंद सुबह की जानब से लुत्फ है के लिए कि जो अपनी लाइफ में जहूर को दर्द ना कर पाए वो आफ्टर डेथ भी कर सकते हैं ठीक है थीके? ये जुमला दुआ अहद में भी आया कि इनका नबैनी व बैनल क्या है वो इन हाल अबैनी जाए। जाए। फखरुजनी चाए। मिन कबरी वही बात है दुआ अहद में भी ये जुमला आया है और हदीस में भी ये आया है सही है खूब एक और रिवायत में एक सलवार पढ़े एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर पर थे क्योंकि उम्म सलमा उनकी अजवाज में से थी तो उम्म सलमा के घर में थे तो उन्होंने फरमाया कि ए उम सलमा मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ और किसी को भी कमरे में आने की इजाज़त नहीं देना तो यहाँ पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं कमरे में तो अचानक देखते हैं कि और अचानक उम सलमा देखती हैं कि इमाम हुसैन आल जो कि शायद पाँच साल छः साल के थे वो चले जाते हैं नबी अक्रम सली वम के कमरे में और देखती हैं कि ये इमाम हुसैन नबी अक्रम के सीने पर बैठ गए ठीक है अब यहाँ पर रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जब नबी अकरम के सीने पर इमाम हुसैन बैठ जाते हैं तो उम सलमा ख़ुद कहती हैं कि मैंने देखा कि रसोल खुदा अलैहि वसल्लम ने गिर करना शुरू किया गिरिया करना शुरू किया और एक चीज को बोसा दे रहे थे मुसलसल और नबी अकरम ने फिर यह जुमला फरमाया कि हज हाद इन नहाजा जब्रील युकबर उन्नीज मकतूल मुझे जब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि यह हुसैन मकतूल वाक होगा इसको शहीद किया जाएगा वहाज़ ही तुरबा और ये वो तुरबत है वो मट्टी है जिसके ऊपर उसे शहीद किया जाएगा एम सलमा फजी एम सलमा ये तुरबत और ये मट्टी अपने पास संभाल के रखो फार दमन फकत कुमे सलमा जब तुम देखो कि ये मट्टी और ये खाक खून में तब्दील हो चुकी है तो समझ जाना कि मेरा हबीब मेरा हुसैन शहीद हो चुका है यहाँ पर सलमा उम ने जब ये सुना नबी अकरम से तो नबी अकरम से फरमा के नबी आप खुदा से तलब करें कि ये बला और ये इब्तला हुसैन के साथ पेश ना आए मालूम है नबी अकरम ने क्या कहा नबी अकरम ने फरमा क्या एम सलमा मैंने खुदा से कहा मैंने खुदा से दरख्वास्त की कि ये इब्तला हुसैन के साथ पेश ना आए लेकिन खुदावंद सुबह ने मुझे यूं फरमाया ए मोहम्मद हुसैन के लिए इस शहादत के जरिए एक ऐसा मकाम हुसैन को नसीब होगा जो किसी मखलूक को नसीब नहीं होगा यानी जी यानी इमाम हुसैन आसम अगर ये शहादत का नजराना पेश करते हैं तो इमाम को ऐसा मकाम आलम मलकूत में दिया जाएगा आलम हस्ती में दिया जाएगा कि किसी मखलूक को आज तक मैंने नहीं दिया है और फिर यहां पर खुदावंद सुबह एक अजीब बात फरमाते हैं खुदावंद सुबहान फरमाते हैं कि ए नबी ए मोहम्मद ए मोहम्मद मेहदी हुसैन के फर्जंदान में से होगा हुसैन की जुवीत में से होगा यानी चाहिए क्या मतलब ये खुदा फकत बता रहा है ओ मोहम्मद मेहदी डोंट टेक एनी टेंशन मेहदी नबी के हुसैन के बच्चों में से क्या मतलब नहीं यहां पर उल्मा फरमाते हैं कि ये जो इब्तला जो करबला में पेश आने वाली है इकसठ हिजरी को इमाम हुसैन के साथ खुदा वंद इस इब्तला के लिए इस इब्तला के जरिए इस वाक आशूरा के जरिए मेहदी के लिए जमीन साजी करेगा यानी क्या ूर इमाम असद के लिए जो हमें अहम तरीन जो एलिमेंट जो खुदा ने करार दिया है इस आलम हसी में वो कौन सा एलिमेंट है वो है करबला और आशूरा यानी आशूरा के बगैर अगर आशूरा का हादसा पेश नहीं आए तो ूर नहीं हो सकता इट इज थ्रू आशूरा आशूरा के चैनल से कानाल से जहूर होने वाला है यानी क्या यानी आशूरा के हादसे के अंदर जो एनर्जी है जहूर इमाम के लिए वो कोई आपको किसी और हादसे और इवेंट में और एलिमेंट में वो एनर्जी नहीं मिल सकती इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह ये फरमाया कि बेशक हुसैन का खून ताकियामत लोगों के जिस्मों के अंदर उसकी हरारत हमेशा बरकरार के ला तब्रुदु अबदा कि ये हरारत कभी भी ठंडी नहीं होगी बस आप देखें एक हिकमत जो जिसकी वजह से करबला का हादसा पेश आया वो है जोहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी र इमाम ज़माना अगर मैं और आप चाहते हैं कि इमाम ज़माना के ूर के लिए कोई ज़मीन साजी कर सकें कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले सकें तो हम आशूरा को नजरअंदाज किए बगैर ये काम नहीं कर सकते विदाउट इग्नोरिंग आशूरा हम ूर के लिए कोई इकदाम नहीं कर सकते लिहाजा इसी वजह से यहां पर यह फरमाते हैं कि आशूरा के आप स्लोगन्स देखें आप आशूरा के आप मसलन बैनर्स देखें आप आशूरा के जितना जितना भी कंटेंट है आशूरा का वा है आशूरा का इन सब चीजों को आप जहूर के लिए काम में ला सकते हैं क्यों क्योंकि जब होगा ना जहूर फकत शियों के लिए तो नहीं होगा इमाम मेहदी फकत शियों के लिए आएंगे नहीं आएंगे मुसलमानों के लिए आएंगे नहीं किसके लिए आएंगे इमाम तो ग्लोबल इंसानों के लिए आएंगे पूरी जहां ने इंसानियत के लिए जहूर होना है क्यों 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 जहूर सबके लिए होगा वही इबादत जो आपको जियारत नामों में मिलती है वो, वो क्या इबादत है वो इबारत यह के यमलाउुल व जौरा इमाम अलैहिस्सलाम का कब जहूर होगा जब ये जमीन ओ और जोर से भरी होगी और फिर जब इमाम आएंगे तो क्या कायम करेंगे कौन सा सिस्टम कायम करेंगे अदालत का सिस्टम कायम करेंगे लेकिन आप इन जियारत नामों में देखें और इसी तरह शायद बाकी जो दुआएं जो मनसूबे इमाम जबान उसमें यही लाइन दोबारा तकरार होती है जियारत आल यासी में भी यही आए कि निज़ाम कायम होगा किस्त का निज़ाम कायम होगा एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है देखें ये बहुत एक तबलीगी नुकता है ओके खूब वो अफराद जो जिनका इरतबाद अहल सुन्नत से है जिनका इरतबाद नॉन मुस्लिम से भी हो सकता है इन द फ्यूचर वो क्या नुकता है वो नुकता यहाँ पर यह है कि अदालत यहाँ पर ये यह इसको गौर से सुना है यहां पर यह नहीं फरमा कि इमाम जमाना आएंगे और निज़ाम विला फकी कायम करेंगे यहाँ तो यह नहीं आया इमाम जबान आएंगे निज़ाम इमामत कायम करेंगे क्यों क्या है इमाम जमान आएंगे निजाम अदालत इ... कायम करेंगे क्यों नहीं कहा निज़ाम इमामत क्यों नहीं कहा निज़ाम विलायत कायम करेंगे क्या वजह है क्योंकि अदालत हर इंसान हर यानी हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर इंसान की फितरत की आवाज है हर इंसान एक अदालत के बेस के ऊपर एक निजाम चाहता है अब अमेरिका में जाए जुल्मतम हो रहा है ओके गैंगस्टर्स आते हैं शूटिंग फ्री होती है और पता नहीं मिशन इम्पॉसिबल के यू you नो know, टास्क होते हैं और जुल्म होता है लोगों के ऊपर और ओके जुल्म हो रहा है बिलाखिर कभी ब्लैक अमेरिकन को मारा जाता है कभी वाइट्स को मारा जाता है ठीक है जुल्म हो रहा है ये जो मजलूम अफराद हैं क्या ये राजी होंगे अमेरिकन सिस्टम से राजी नहीं होंगे क्यों क्योंकि अमेरिकन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन उनको अदालत का निज़ाम चाहिए आप जाए इंडिया में जाए जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में जाए जुल्म हो रहा है हर कोने और इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है ओके हर किस्म का जुल्म हो रहा है ये जो मजलूम है जो हर एवरी वेर है वर्ल्ड इनको क्या चाहिए एक आदिल निज, आदिलाना निज़ाम चाहिए खूब आप जाए आप नॉन मुस्लिम के पास हिंदू के पास जाएँ मेरे पास इमामत का निज़ाम है वॉट इज इमामत का निज़ाम भाई आप उसको बोलो भाई मेरे पास अदालत का निज़ाम है फिर वो आपकी बात समझेगा आप उसको बोलो कि नहीं मेरे पास वो विलायत फकी का निज़ाम है ही वोट अंडरस्टैंड आप जब किसी हिंदू से बात कर हो किसी क्रिश्चन से बात करते हो तो उसकी अपनी फितरी जबान से बात करो आप ओके okay? क्योंकि वो फितरी जबान उसके अंदर भी है आपके अंदर भी है हर इंसान के ये वो फितरी एलिमेंट है जो सारे इंसानों को यूनाइट करता है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और उसी फितरत की तलब का जवाब देने के लिए आने वाले हैं उसी फितरत के तकाज़े की इस्तेजाबत के लिए आने वाले हैं यानी अदालत का निज़ाम तो ये एक बहुत अहम तबलीगी है हम शियों के लिए स्पेशली कि जब हम सुन्नियों से बात करें तो वहाँ पर निज़ाम इमामत बात करने की ज़रूरत नहीं है मतलब तो आपके इमाम जमाना आदया निज़ाम आदिलाना ओके okay? क्रिस्न के पास जाए आदिलाना निज़ाम हमारे पास है यानी वाई क्योंकि इस वक्त हर इंसान चाहे वो क्रिश्चन हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी सेक्ट का हो वो अब उसको एक नया मॉडल चाहिए दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन जस्टिस वो किसके पास है वह तशह्यों के पास है समझे वो हमारे पास है जब हम जाएंगे उनसे बात करने हमें यह करने की जरूरत नहीं कि हम निज़ाम, इमामत, निजामत पहले मुस्लिम बनो फिर मैं बात करूंगा आपसे नो पहले हिजाब करो फिर बात नहीं आप अदालत की बात आप बताएं हमारे पास क्या सिस्टम है अदालत का ठीक है ये एक बात इसी वजह से उलमा फरमाते हैं और खुद अहिमा फरमाते हैं आशूरा का मुखातब कस के कौन है जब ूर इमाम ज़मान का मुख़ातब फरत इंसान है फरत बशरियत है और जहूर इमाम ज़मान आशूरा के बग़ैर नहीं हो सकता तो आशूरा का भी मुखातब फरत इंसान है इसी वजह से अरब पे क्रिश्चियन आता है हिंदू आता है बोली आता है सिख आता है हर किस्म का क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी फितरत से ही मरबूत है इसी वजह से इमाम हुसैन ने करबला में क्या फरमाया ये ये स्लोगन के हल हल यंसुरुनी है कोई मेरी मदद के लिए यानी इमाम हुसैन यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे एनी मुस्लिम सुन्नी टू हेल्प मी नो इज एनी वन में सारे इंसान आ जाते हैं यानी खिताब और दावत किसको है फित इंसान बस अगर एक क्रिश्चियन को हम कामयाब हो गए इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने में तो वो भी हमारे इस आशूराई अम्ब्रेला के नीचे आ सकता है महदवी अम्ब्रेला के नीचे आ सकता है गॉट इट लिहाजा एक साल बात पढ़े कोई सवाल तो नहीं है Any question? अब हमें क्या करना है अब हमें आखिरी बात में करना चाह रहा हूं पहले कि हम यहां पर मसाइब का आगाज करें और मुख्तसर सी एक सीना जनी हो जाए हमें जब तक हम आदा को दिस टू फिफ्टी ईयर ओल्ड मैन ढाई सौ साल इंसान को जब तक जब तक हम एक इंसान की निगाह से इसको नहीं देखेंगे तब तक हम दुरुस्त एनालिसिस और तज् नहीं कर सकते कि इस ढाई सौ साल के अंदर हुआ क्या इस्लाम के साथ ओके okay? हमने फकत यह सुना हुआ है कि मसलन इमाम अली आए तीन जंगे लड़ी ओके okay, साइड पे इमाम हुसैन आए विद माविया ओके चैप्टर क्लोज इमाम हुसैन आए कल चौथे इमाम आए सहीफादिया पांचवें इमाम आए बाकिरू ओके हौजा इलमिया इमाम सादे क्या है जो रहा इब अब्दुलरमान यानी हौजा इल्मिया खोला ठीक है फो कहा इमाम कासिम आए फ़ोर्टीन ईयर्स इन जेल और कुछ नहीं मानूम उसके अलावा इमाम रजा मशहद रजा ज्यारत इमाम रजा और जहन उनको पिलाया गया और उसके अलावा हमें कुछ नहीं माना ओके नहीं उनकी बहन भी थी ओके जो कुम आई हमें इससे ज्यादा तो नहीं मालूम है इमाम हादी आए क्या मालूम है इमाम हादीम के बारे में इमाम जवाद के बारे में हमें मालूम है इमाम जवाद ने या इमाम हादीम ने इन दोनों में से किस इमाम ने जियारत जाम कबीरा का मतन और टेक्स्ट दिया है एक अहम ज़ाना मैं खुद कंफ्यूज हो इमाम हादिया इमाम जवाद है कि इमाम हादिया इमाम जवाद ने दो जियारतें हमें दर्ज दी है एक जियारत जामिया कबीरा और दो जियारतारत जियारत, जीतना जियारत है। जाते हैं हर, हरम है अमीरमिन और वहाँ पर जाकर जियारत नामा जियारतनामा करते हैं जियारत गिर मसला इमाम अस्करी वो तो मिलिट्री और अस्करी उसमें थे कैम्प में थे और ज़्यादा तो उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है और फिर इमाम यानी इमाम जमानसम की मखफ़ी और मख्फीना विलादत होती है दुश्मनों से छुपा कर उनकी विलादत होती है और यानी हम जो एक मिस्टेक कर रहे हैं ना हम मसलन हर चीज़ को एक सेपरेट निगाह से देख रहे हैं हर इमाम के किस्से को एक सेपरेट निकाहें देख रहे हैं जबकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि कुलुहुम नून वाद एक इंसान इन तमाम ग्यारह अहमा का एक हदफ है एक हदफ है वो हदफ क्या है वो हदफ क्या है, है।, है। खूब अगर आप एम्मा के कलाम में देखें तो अदालत एक सेकेंडरी चीज है अदालत सारा मकसद नहीं है खूब अदालत का निज़ाम तो कायम हो गया खूब बिलफर्ज इन कायम हो जाए खूब उसके बाद क्या वाई अदालत का निज़ाम इस्लामी दीन दीन इन द। तो कंट्रोल सोसाइटी फॉर वट नहीं क्या कंट्रोल करने की जरूरत है जब ूर इमाम होगा इसको गौर से सुने जब जबूर जब ूर ये कहने के ये कह रहे कंट्रोलिंग द सोसाइटी फ्रॉम सेंस एंड ऑल दीज एंड यू नो फसाद एंड फाशा राइट खूब जब इमाम जमाना का जहूर होगा तो रिवायत में कि जहूर के बाद जब इमाम की हुकूमत तश्कील पा जाएगी तो इबलीस की गर्दन को खुद इमाम जमाना उड़ाएंगे खूब अब आप कह रहे कंट्रोलिंग द सोसाइटी फ्रॉम सेंस गुना फिर भी होंगे तो खूब तो लेकिन वो ना गुनाह के दो वो है क्या बोलते हैं यार उसको पहलू है या इनपुट्स हैं एक गुना का जो वसवसा है एक बाहर से होता है बाहर कौन है शैतान इब्लिस खुद इब्लिस वो बाहर से इमाम जमाना जब उसकी गर्दन उड़ा देंगे उसको खत्म कर देंगे नाबूद कर देंगे अब मत बोलना शहीद करेंगे उसको ठीक है ओके तो गुनाह का जो आउटर सबब है कॉज है वो खत्म हो जाएगा लेकिन अंदर जो कि नफ्सारा है ठीक है वो बिल फिर भी बाकी रहेगा लेकिन इन एंड फरमाते हैं कि के बाद गुनाह 80 परसेंट नाइन परसेंट कम हो जाएंगे सोसाइटी से, से मुजाज़ात तो सख्त होंगे वो एक अलग टॉपिक तो आप चेना ठीक है लेकिन बिल आखिर मकसद नहीं है फकत खूब ये भी हो गया खुदा तक पहुंचना कुर्ब इलाही लेकिन ये कर्ब इलाही कैसे होगा फकत हुकूमत बनाने से होगा फकत अदालत के निजाम से होगा यानी इट्स लाइक दैट यूर के इमाम जमान आएंगे और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी खूब टेक्नोलॉजी तो अपने उरूज पर पहुंच जाएगी खूब लेकिन फकत टेक्नोलॉजी फकत अदालत फकत तस्के न्स फकत पॉलिटिकल सिस्टम फकत इकोनॉमिकल सिस्टम फकत मेडिकल सिस्टम नहीं इमामे जब आएंगे तो इस्लामिक एंड होली सिविलाइजेशन और तमदन को बर्पा करेंगे इसलिए फरमाते हैं कि जब इमाम आएंगे तो जीरो से शुरू नहीं करेंगे किसी ने आज तक कंप्यूटर में या लैपटॉप पे डीवीडी या सीडी बर्न की है सीडी बनाई है किसी ने अब तो सीडी का ज़माना भी ख़त्म हो गया है लेकिन किसी ने एक्सपीरियंस किया है मसलन जब इंसान लैपटॉप पे डीवीडी या सीडी बर्न करता है ठीक है तो उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है हो सकता है किसी आजकल भी किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोसेस हो ठीक है कि मसलन जब सीडी बर्न हो रही होती है तो उस पर लिखा था रेंडरिंग द सीडी Now, 20%, 30%, 40. Okay. फिर आता है राइटिंग प्रोसेस और फिर जब टेन परसेंट या फाइव परसेंट बचता है ना तो उसमें लिखा था है फाइनलाइजेशन प्रोसेस इमाम जमाना कम आफ्टर दैट नाइन्टी फाइव परसेंट जब फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होगा ना फिर इमाम का जहूर होगा यानी फाइनलाइजेशन तक मुझे और आपको ये पूरी सोसाइटी को रेंडर करना है सोसाइटी अपनी कंट्री की सोसाइटी नहीं पूरी दुनिया की सोसाइटी नॉट ओनली शिया कहना चाह रहा हूं यानी वेंडरिंग का काम मुझे और आपको अंजाम देना है ये नहीं कि इमाम आएंगे फ्रॉम जीरो सी डालेंगे और फिर शुरू करेंगे नो no, इंजुरी नहीं ऐसा नहीं है नाइनटी परसेंट मुझे और आपको वो ग्राउंड फराम करना है हमें गैबत के जमाने में अंटिल द लास्ट डे ऑफ गेबर्थ वो 95% फाइव परसेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है ओके okay? आज आठ मुहर्रम है और नौ मुहर्रम की शब करीब है और आहिस्ता आहिस्ता हम रोजे आशूर रोजे मुसीबत के करीब होने वाले हैं एक अहम बात जो हमें और अगर मैं यूं कहूँ तो बेहतर है कि जब करबला के मैदान में रोज़े आशूर जब सारे असहाब शहीद हो गए बनी हाशिम में भी सब के सब शहीद हो गए तो सिर्फ एक इंसान और एक शख्सियत बची थी उस शख्सियत का नाम हज़रत अबुल फजल अब्बास है लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने हज़रत अब्बास के हवाले से उनसे तवसल का हम आगाज करें मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ वो किस्सा ये है कि ये किस्सा बहुत खूबसूरत शेख इशराक रही ने अपनी किताब लगत मुरान में जिसका जिक्र किया है वो ये कि हज़रत सुलेमान सलाम एक दिन उन्होंने आपको मालूम है कि हज़र सलाम की हुकूमत एक आ, अजीब व गरीब हुकूमत थी आसमानों पर वो हुकूमत किया करते थे और सारी मखलूक इंसी सी जिन्नी मखलूक़ात ये सब इनके तहत तस्खीर में थी कंट्रोल में थी हजर सलेमान के हजरत सलेमान एक दिन एक मुर्गी को भेजते हैं अंदलीब के पास अंदलीब एक बुलबुल बुल का नाम है ओके इस अंदलीब के पास भेजते हैं और कहते हैं कि इस अंदलीब से कहो कि यकीनन ए अंदलीब हमारी मुलाकात हो कर रहेगी हम एक दिन मुलाकात ज़रूर करेंगे तो अंदलीब यहाँ पर बिलाखिर परेशान हो गई कि सज सुलेमान एक अजीम हुकुमरान खुदा की जानिब से वो ये कह रहा है वो ये खबर दे रहा है कि हमारी मुलाकात हो रहेगी तो यहां पर अंदलीब और उस बुलबुल बुल का अपना एक आशियाना था छोटा सा आशियाना था बिलाखिर उस बुलबुल बुल का उसने देखा कि अगर हजरत सुलेमान मुझसे मिलने के लिए आ गए मुलाकात करने के लिए आ गए अब हजरत सुलेमान तो नबी हैं, झूठ तो नहीं बोलते यकीनन जो चीज जो बात सुलेमान करते हैं वो मुहक्क होकर रहेगी इट विल हैपन तो अगर सुलेमान मुझसे मुलाकात करने के लिए आ गए तो मेरा जो आशली आना है वो तो बहुत ही छोटा है इसमें तो हजरत सुलेमान तो नहीं आ सकते उनकी जगह तो नहीं बन सकती तो यहां पर अंदलीब और बुलबुल ये कहती है कि मैं ये फैसला करती हूं कि मैं जाती हूं सुलेमान से मुलाकात करने के लिए मुझे जाना होगा मुलाकात करने के लिए यहां पर क्यों अनदलीप कहती है बुलबुल बुल कहती है कि मुझे जाना होगा पॉइंट नुकता यहां पर ही है क्योंकि मेरी दुनिया बहुत छोटी है कि इस छोटी सी यानी मेरी जो अपनी बनाई हुई दुनिया है जो मैं सोचता हूं मैं सोचती हूं कि ये मेरी दुनिया है और इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं हो सकती लेकिन इस दुनिया में भी हजरत सुलेमान फिट नहीं हो सकते इस दुनिया में भी हजरत सुलेमान को होगा मैं दावत हूं कि आप आ जाए इस दुनिया में तो हज़रत सुलेमान नहीं आ सकते लिहाजा मुझे अपनी दुनिया को छोड़ कर हजरत सुलेमान से मुलाकात करने के लिए जाना होगा यहां पर उलमा फरमाते हैं कि शेख इशराक ने यह दास्तान इस वजह से सुनाई ताकि हमें समझा सके ए इंसान ए लोगों ये दुनिया खुदा से मुलाकात करने की जगह नहीं है खुदा से मुलाकात करने के लिए उल्लाह के लिए आपको इस दुनिया से जाना होगा इस दुनिया से कूच करना होगा हजरत अब्बास सलाम वो शख्सियत हैं, वो नासिर इमाम हुसैन अल्लाम अपने वजूद में इस चीज की बसीरत रखते थे कि ये दुनिया खुदा से मुलाकात करने के लिए छोटी दुनिया है मुझे इस दुनिया से कूच करना होगा लिहाजा जब हजरत अब्बास सलाम देखते हैं कि मेरे तीनों भाई आपको मालूम है हजरत अब्बास के तीन और भाई थे जो करबला के मैदान में शहीद हुए एक का नाम अली था एक का नाम उस्मान था एक का नाम जाफर था और एक का नाम अब्दुल्ला था ये तीनों भाई हजरत अब्बास के शहीद हो गए जब हजरत अब्बास ने देखा कि ये तीनों भाई शहीद हो गए तो यहाँ पर गमगीन होते हैं गिरिया करते हैं और जाते हैं रिवायात और रावी कहता है कि फुम्म बकल अब्बास यहाँ पर अब्बास गिरिया करने लगते हैं और फ़रमाते हैं कि इन्नी रब्बी अश्ताक व अहिन मैं अपने रब से मुलाकात करने का शौक़ रखता हूँ मैं मुश्ताक हूं कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं हसरत इमाम से मिलने के लिए जाते हैं इमाम के महजर में होते हैं। इस हाल में में कि उनके हाथ में अलम होता है बिलाखिर अलमदार है इस लश्कर के अलमदार जा रहा है इमाम से इजाजत लेने के लिए कारवान सालार से इजाजत लेने के लिए ताकि मैदान जंग में जाकर अपनी शहादत का नजराना पेश कर सके और दीन का दिफा कर सके। रावी कहता है जब हजरत अब्बास गए इमाम हुसैन से इजाज़त लेने के लिए तो फबकल हुसैन सलाम शदीदा हुसैन सलाम हाय हाय गिरिया करते हैं अन शदीदा शदीद गिरिया करते हैं अब्बास ने जब देखा कि उनके हुसैन गिरिया कर रहे हैं तो कहा ऐ भाई ए बरदर जान, ए इमाम मेरी जान आप पर फिदा हो अब देखें मैंने जो आपको अंदलीब का किस्सा सुना है ना देखें यहाँ पर हजरत अब्बास, क्या रहे? अब्बास कि, ए भाई मेरा सीना इस दुनिया में जिंदगी करने की वजह से तंग हो चुका है मैं इस मैं अब और इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता मुझे आप जान दें अपने परवरदिगार से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आज़त अब्बास सलाम, को खु इमाम सलाम ये फरमाते हैं कि ए अब्बास अगर तू चला गया तो इन बच्चों का क्या होगा जो खैमों में इस चीज पर खुश हैं कि अब भी अलमदार मौजूद है अलमदार का खेमा अब भी मौजूद है अलमदार और अलम अब भी बाकी है तो जब बच्चे अपने खेमों से निकलते हैं, देखते हैं कि अब्बास मौजूद है तो ये खुशहाल हो जाते हैं उनके अंदर ये उम्मीद इजाद हो जाती है कि अब कभी भी पानी आ सकता है और हमें सैराब कर सकता है लेकिन है अब्बास अगर तुम वाकार करते हो मैदान जंग में जाने के लिए तो एक काम पहले करो ये काम कर लो फिर तुम जा सकते हो मैदान जंग में जाओ पहले बच्चों के लिए पानी लेकर आओ यहाँ पर हजरत अब्बास जब पानी का नाम सुनते हैं बच्चों का नाम सुनते हैं तो उनको अचानक आवाज आने लगती है बच्चों की जानब से कि अल-अताल अल-अताश अतश, अल प्यास हमें हलाक कर रही है यहाँ पर हजरत अब्बास फ़ौर तैयार होते हैं ने नेजा उठाते हैं मशकीजा उठाते हैं और जाते हैं फरात की जानब जब फरात की जानब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि तकरीबन 80 से ज्यादा निगहबानों ने फुरात का घेरा किया हुआ है घेरा हुआ है फुरात को। यहां पर उनसे लड़ाई का आगाज होता है जंग का आगाज होता है और रावी कहता है कि हजरत अब्बास सलाम ने 80 अशकिया को वासिल जानम किया फुरात के पास और फिर हजरत अब्बास पानी तक पहुँचते हैं जब पानी तक पहुंचते हैं नीचे उतरते हैं घोड़े से और अपने हाथ को पानी के नीचे चुल्लू भर पानी भरते हैं अपने हाथ में और जब अपने आंखों से पानी को देखते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि हुसैन तो प्यासा है सकीना तो प्यासी है बच्चे तो प्यासे हैं इनकी प्यास के बावजूद मैं कैसे पानी पी सकता हूं मेरा इमाम प्यासा है सकीना प्यासी है बच्चे प्यासे मैं कैसे पानी मुझे गवारा नहीं होता कि मैं पानी पीऊं लिहाजा हजरत अब्बास अपने हाथों से पानी फेंकते हैं फुरात में मशकीज़े को भरते हैं पानी से और उठते हैं अपनी जगह से नेज़ा के साथ और दोबारा घोड़े पर सवार होकर खयाम में हुसैनी की जानब हरकत करते हैं लेकिन अफसोस ये जंग जंग करबला है ये एक ऐसी जंग है कि जिसको आखिर में अपना किरदार अदा करना है और जरत अब्बास वो शख्सियत हैं जिसको खुद आखिर उस जमान में अपना किरदार अदा करना है एक रिवायत के अंदर मरहूम कुचानी जिन्होंने सियाहत सियाहत गर्ब बरज का सफर की किताब लिखी उन्होंने फरमाया कि मैंने एक मुकाशफे में देखा कि मैंने देखा कि हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर दोनों मुसलह हैं उनके हाथ में असलाह है तो मैंने उस शख्स से एक शख्स से पूछा जो मेरे साथ बरजख में था मैंने उनको पूछा ये दोनों कौन है उस शख्स ने कहा यह हज़रत अब्बास है ये अली अकबर है और इन दोनों के हाथ में असलाह इस वजह से कि ये दोनों मुंतजर हैं कि जब कायम कब कायम जहूर करेगा और ये खून हुसैन का इंतकाम लेंगे ये वो शख्सियात हैं हजरत अब्बास सलाम, जाते हैं हुसैनी खैमे की जानब बच्चों की जानब लेकिन अचानक यहां पर एक लईन जिसका नाम तारीख में आया नोफल अरज ला नोफल आया और उसने अब्बास के दस्त रास्त और रास्त पर हमला किया और बाजू ए को कलम कर दिया यहां पर हजरत अब्बास का दस्त रास्त कलम हो जाता है फिर हजरत अब्बास मशकीजे को जो उन्होंने अपने पहले दाएं हाथ पे उठाया हुआ था अब इनको बाए कंधे पर उठाते मशकीसे को और फिर यही नोफल लाइन आता है और हजरत अब्बा का बाएं बाज़ू भी कलम कर देता है एक वक्त ऐसा आता है कि जब हजरत अब्बास इससे पहले कि उनको शहीद किया जाए अब हजरत अब्बास यहाँ पर क्या करें दो हाथ नहीं हैं यहाँ पर हजरत अब्बास मशक्सें को अपने दांतों के दरमियान लेते पकड़ते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो लईन तीर के जरिए मशकीज़े पर हमला करता है और मशकीज़े से सारा पानी नीचे गिर जाता है यहाँ पर हसरत अब्बा की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि अब मैं सकीना को क्या मुंह दिखाऊँगा अब मैं हुसैन ख़वाी को क्या अहले हरम को मैं क्या मुंह दिखाऊँगा सारी उम्मीदें बच्चों की मुझसे लगी हुई थी अब मैं यहाँ पर क्या करूँ यहाँ पर एक लइीन आता है जिसका नाम तारीख़ में हकीम इबन तुफ़ लन ला आल वो आता है और हज़रत अब्बास अब्बा के सर पर गुरज आहनीन के ज़रिए उनके सर पर और उनके फर पर हमला करता है यहाँ पर मक्तर की एक अजीब इबारत हमें मिलती है कि अब आपको मालूम है कि जब इंसान के दोनों हाथ उसके सालिम होते हैं और जब वो घोड़े पे गिर घोड़े से नीचे ज़मीन पर गिरता है तो वो बिलाखिर अपने मुँह को इस तरह बचाता है और फिर ज़मीन पर गिरता है ताकि उसके चेहरे के उसके वजूद को कोई नुकसान ना पहुंचे लेकिन यहां पर हजरत अब्बास के दोनों हाथ कलम हो चुके हैं तो जब वो जमीन पर गिरे तो कैसे गिरे होंगे मुंह के बल गिरे रावी कहता है यहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत अब्बास फरियाद देता है ए मेरे भाई इधर आइए मेरी मदद को आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रावी कहता है कि तीन फरियादें बुलंद करते हैं वो तीन फरियादें मक्तल के अंदर यूँ आई हैं कि वाह अखा हो ए मेरे भाई वाह ए मेरे अब्बास वाह मुहज हूँ कल्बाहू ए मेरी रूह हो जान ए मेरे अब्बास इमाम हुसैन हजरत अब्बास की समत आते हैं और जब हजरत अब्बास के दो कटे हाथ को देखते हैं और हजरत अब्बास के वजूद को देखते हैं कि किस कदर दुश्मनों ने हजरत अब्बास को जख्मी किया है तो इमाम हुसैन सलाम फरमाते हैं कि किसर जहरी अब मेरी कमर टूट चुकी है अब अलमदार गिर चुका है अब हुसैन तनहाय तनहा हो चुका है अल